अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसमें वो लोग जो कि यूके में स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जो है स्कॉलरशिप्स हैं, वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अपना जो है अच्छा से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करें, और तमाम जो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक्स दिए हुए हैं उनको देखें कि अप्लाई कैसे करना है, कौन सा लिंक है जो अप्लाई करने के लिए है। इसके अलावा आपने ब्रीफली जो है तमाम इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह पढ़ लें, और उसके बाद जो है आप अप्लाई करें। तमाम जो है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको फुली गाइड करूँगी। अभी हम देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूज़। यहाँ पे आप इनके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, gatescambridge.org। यहाँ पे आने के बाद आप देखिए कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। इसके अलावा इन्होंने हेल्प आउट के लिए आपकी जो है यहाँ पे वीडियोस भी अवेलेबल है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अब हम डेडलाइन इसकी देख लेते हैं ऑफिशियल साइट से कि इसकी डेडलाइन क्या है। इसकी जो डेडलाइन है वो दिसंबर है, दिसंबर तक आपने जो है 11 दिसंबर 2023 यहाँ तक जो है वो आपने इसमें एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। और ये देखिए जी, आइदर जो है वो ये एप्लीकेशन डेडलाइन डिपेंड्स ऑन योर कोर्स, डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट जो है वो डेडलाइंस हैं, और ये 4 जनवरी 2024 तक है। स्टार्टिंग है इसकी 5 दिसंबर से, और आप अपने कोर्स के हिसाब से जो है वो इसमें देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में देखते हैं हम, आर सिटीजन ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड द यूके, यूके से बाहर कोई भी जो है कंट्री का वो अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए आपका रिसर्च वर्क बहुत जरूरी है, आपका थीसिस होना जरूरी है, तब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी रिसर्च की भी है। ये प्रोग्राम्स दिए हुए, आप इनको अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिएगा। मकसद बताना ये होता है कि आपको साइट का पता चल जाए और वहाँ पे आप अच्छी तरह जो है सर्च आउट कर लें, और ये थोड़ी ना मकसद होता है कि भाई मैं आपको अब अप्लाई करके भी दूँ। नो डाउट मैं आपकी हेल्प आउट कर दूँगी और आपको जो प्रोसेस है उसमें गाइड कर दूँगी, लेकिन अप्लाई आपने खुद ही करना होता है। ये देखिए रिसर्च जो है प्रपोजल पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए ज़रूरी है और कंपल्सरी है कह लें। आप तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड आउट करें, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करें, और अपने अकॉर्डिंग जो है वो कोर्स सर्च आउट करें कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कोर्स डायरेक्टरी इज गिवन हियर, यू कैन हेल्प फ्रॉम दिस। और अगर एप्लीकेशन है आपकी एप्लीकेशन फी, तो आप वो भी इसमें जो है सबमिट करवाएंगे। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हैं जो आपको इसमें रिक्वायर्ड होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो सीवी है वो बहुत अच्छी सीवी आपकी होनी चाहिए। तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब हम एप्लीकेशन पोर्टल की तरफ मूव करते हैं। एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड होना होगा।
जिसके लिए आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे और ये अपने पास जो है वो यहाँ से आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखें और पासवर्ड लिखें। उसके बाद आप अपना जो है वो लॉगिन क्रिएट करें, रजिस्टर हो जाए। रजिस्टर होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस आप दें और अप्लाई करें। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव।